अगर आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप से माई कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल, नेटवर्क, रिसाइकल बिन, ये सभी जो आइकन दिख रहे हैं, अगर बाय मिस्टेक डिलीट हो जाता है तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि माई कंप्यूटर का होना बहुत ही जरूरी, क्योंकि यहीं से हम लोग कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं, जितने भी हमारे डेटा होते हैं वो हम यहाँ से देखते हैं, यहीं से हम लोग कंट्रोल पैनल को एक्सेस करते हैं, सारा कुछ हम लोग यहीं से करते हैं, इसलिए इसका होना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन अगर कभी मिस्टेक से डिलीट हो जाए तो आपको क्या करना है, उसके लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, वो करना होगा। सबसे पहले हम आपको ये इसको डिलीट करके बताते हैं। चलिए इसको डिलीट करते हैं, डिलीट कर देते हैं। कोई भी डेटा कंप्यूटर से अगर डिलीट होता है तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है, लेकिन ये जो डेटा भी डिलीट किए वो रिसाइकल बिन में नहीं गया। देखिए रिसाइकल बिन इम्पर्टी बताया, दिस फोल्डर इज इम्पर्टी। आपको लाने के लिए उसको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना होगा, यहाँ लास्ट में एक ऑप्शन दिख रहा है पर्सनलाइज का, वहाँ पे आपको ओके करना होगा। फिर उसके बाद लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है चेंज डेस्कटॉप आइकन, यहाँ पे आपको ओके करना है। और फिर देखिए यहाँ पे आपको डेस्कटॉप आइकन में क्या क्या ऑप्शन है, कंप्यूटर का है, रिसाइकल बिन का है, कंट्रोल पैनल का है, यूजर फाइल्स का है, नेटवर्क का है। यहाँ पे डेस्कटॉप पे ये भी रिसाइकल बिन का है, इसलिए इसमें ऑलरेडी टिक किया हुआ है। अगर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं तो वहाँ शो करना बंद हो जाएगा। देखिए यहाँ से हट गया। जो जो आपको लाना है, कंप्यूटर लाना है, रिसाइकल बिन लाना है, कंट्रोल पैनल लाना है, यूजर फाइल्स लाना है, नेटवर्क लाना है, आप सभी को टिक कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ये जितने भी आइकन्स हो वो सभी वापस आ जाएंगे। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।